तो चलिए आपको सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले चलते हैं, जहां पर नव नियुक्त किए गए संसदीय सचिवों का शपथ ग्रहण, लेकिन तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें आपको इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मैं चंद्रदेव प्रसाद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्रदेव प्रसाद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री द्वारिकाधीश यादव जी, मैं द्वारिकाधीश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अनंतकरण से निर्वाह करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं द्वारिकाधीश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार में लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे, मैं गुरुदयाल सिंह बंजारे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतर अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरदयाल सिंह बंजारे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री इंदर शाह मंडावे जी। मैं इंदर शाह मंडावी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भक्त भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इंद्र शाह मंडावी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कुंवर सिंह निषाद। मैं कुंवर सिंह निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्य विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कुंवर सिंह निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह। मैं श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री रेखचंद जैन। मैं रेखचंद जैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की
प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रेखचंद जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। शकुंतला साहू मैं सुश्री शकुंतला साहू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सुश्री शकुंतला साहू ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री शिशुपाल शौरी जी मैं शिशुपाल शौरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिशुपाल चौरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री मुडी मेंशा Thank you.
मैं जूडी मिंग ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यूडी मिंग ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विकास उपाध्याय जी, मैं विकास उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अशुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विकास उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के विषय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के ऐसे कारण अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री विनोद चंदाकर जी, मैं विनोद सेवालाल चंद्राकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विनोद सेवनलाल चंद्राकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया हम सबको उद्बोधन देने का प्रयास करेंगे। संसदीय सचिव गण के शपथ ग्रहण में उपस्थित आदरणीय श्री पुनिया साहब, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महल जी, आदरणीय सी एस सिंहदेव जी, आदरणीय नामदत्त साहू जी, रवि चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, प्रवासी लखमा जी, गुरुभूत कुमार जी, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, भाई अमरजीत जी,
मैं उमेश पटेल जी, डॉक्टर श्री दरिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरताम जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मोहन मंडावी जी, सांसद आदरणीय भाभी योजना महंत जी, सभी हमारे संसदीय सचिवगण, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, भाई अमित शुक्ल जी, सभी उपस्थित विधायकगण, उपस्थित मुख्य सचिव और सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों और पत्रकार साथियों, बहुत दिन से ये अपेक्षा रही है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कब होगी, वो क्षण अब समाप्त हुआ। ऐसे समय में जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में अग्रणी राज्यों में रहा है, जिसमें हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण, सभी विभाग ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। वहीं हमारे सामाजिक संगठनों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सबसे बढ़िया व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की रही है, सामाजिक योगदान भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। वहीं हमारे विधायकगण और सभी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, चाहे पंचायती राज से जुड़े हों, चाहे नगरी निकाय से जुड़े हों, सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और इसी कारण से इसे नियंत्रण करने में सफलता मिली है। लेकिन चुनौती अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसे लड़ना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका यही है, जो बचाव के तरीके हैं उसके हम लोग अपनाएं। कुछ आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन इसे चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल यही है कि हम हमारे यदि कोई व्यवसायी है, दुकान में कोई व्यक्ति आते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से कहें कि आप मास्क लगा के पहुंचें।